ओके सो नाउ स्टार्ट करते हैं अब। तो हम आज पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, ये तो आपको पता ही होगा। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इफ टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू इच अदर, अगर दो चार्ज कैपेसिटर को मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, क्या होता है? मान लो दो कैपेसिटर है, मान लो इस पे चार्ज क्यू है और मान लो इस पे चार्ज मान लो टू, इसके पास मान लो टू क्यू है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? नंबर नंबर हाँ लास्ट से देखते हैं हम, द फाइनल पोटेंशियल इज सिमिलर इज अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड इनिशियल पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, क्या ऐसा हमने कभी पढ़ा है क्या? ठीक है, बोथ एनर्जी एंड चार्ज आर कंजर्व, हमने चार्ज के बारे में तो पढ़ा था लेकिन एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ा कि भाई दो कैपेसिटर को हम अगर कनेक्ट कर देंगे तो उनके पास में क्या होगा, चार्ज कैपेसिटर एनर्जी कंजर्व होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज कंजर्व, देखो टोटल एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं होगी, मान लो इसके पास 2q चार्ज है, क्या यहां से कुछ चार्ज इधर आएगा दौड़ के, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चार्ज यहां से फ्लो होने में कुछ एनर्जी वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? टोटल एनर्जी तो हमारी कंजर्व हो नहीं सकती। ऑप्शन क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर इज कंजर्व्ड, भाई टोटल चार्ज कंजर्व होगा, मान लो माना कि मैंने दो कैपेसिटर माने जिसपे एक पे चार्ज क्यू था एक पे टू क्यू था, टोटल चार्ज क्या है मेरा, थ्री क्यू है कि नहीं है? यस सर। और मान लो कि उसके बाद में कनेक्शन के बाद में इसने क्या किया, इसके फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे मान लो आ गया, मान लो इसमें से कुछ चार्ज पहुंच गया, कुछ भी चार्ज पहुंचा, तो लेकिन दोनों का टोटल चार्ज हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। जरा सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा, हिंट बताएगा क्या कोई सेकंड क्वेश्चन के लिए? इन द सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे फाइंड करना है, बताएगा कोई? यस सर। हां बताओ बताओ यार। सर जो पहले पहले तीन कैपेसिटर्स है वो तीनों सीरीज में है, सो एग्जैक्टली सही बात बोली आपने। देखो होगा क्या, हम क्या करेंगे, ए पॉइंट है बी पॉइंट, हम पहले ए पॉइंट मान लो कहीं, ए पॉइंट और एक बी, देखो क्या यहाँ पे बी है, तो ये मान लो वी बी है, ये माना हमने वी ए है, आप देखोगे इस पॉइंट का अगर वी ए है तो इसका भी वी ए होगा, और ऐसे वायर से कनेक्टेड है तो क्या इस पॉइंट का भी वी ए होगा, होगा कि नहीं? yes, sir. इसका वी yes, होगा, लेकिन हमें इसका क्या है, इसका सिमिलरली इसका क्या होगा, वी भी होगा कि नहीं होगा? yes, sir. तो आप देखोगे वी ए और वी बी के बीच में तीन कैपेसिटर है, तो वी ए मान लो यहाँ पे है तो तीन कैपेसिटर लगा दो, वी ए और वी बी के बीच में तीन कैपेसिटर है, ठीक है। सिमिलरली आप जरा देखो इस वाले कैपेसिटर को, देखो जरा वी ए और वी बी के बीच में है कि नहीं है ये वाला कैपेसिटर, फोर्थ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर अलग है जो कि वी ए और वी बी के बीच में है, यहाँ पे मान लो अब बी है, यहाँ बी है, ये सर्किट समझ में आया कैसे बनाया है? यस सर। ये सी, अच्छा इन तीनों का सी क्या आएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये किसमें है बोलो, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, सी बाई थ्री होगा। अब ये वाला सी बाई थ्री और ये वाला सी बाई थ्री और ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे? अब देखो इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए क्या करोगे, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन वाई सी प्लस थ्री बाई सी, ऐड करोगे तो क्या आएगा, सी ऊपर आ गया 4 बाई सी होगा, इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो क्या आएगा बोलो, 4 बाई सी क्यों आएगा बेटा, क्या सर पैरेलल में सी बाय थ्री प्लस सी नहीं होगा? हाँ सी, यस यस हमने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया हमने, ये देखो सीरीज में हो रहा है तो ये सिंपल हो गया,
ये सी वन प्लस सी टू होगा ना सिंपल, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया हमने, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया। पैरेलल हमारा सिंपल होगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी वन क्या है हमारा, सी प्लस थ्री यानी कि फोर थ्री सी प्लस थ्री सी प्लस वन फोर सी बाई थ्री आ जाएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन देखो अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी वन इज चार्ज टू अ पोटेंशियल वी। कोई कैपेसिटर सी वन है जो कि कैसे चार्ज है, वी पोटेंशियल से। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनचार्ज पोटेंशियल, कोई अनचार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है आपका सी टू है, उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। याद रहे किसमें कनेक्ट किया गया है, पैरेलल। अब देखो अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा मेरा, बोलो सी वन होगा कि नहीं होगा ना। अब उसने क्या बोला है, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में, अच्छा जब हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो माना कि पहले वाले पे चार्ज मेरा क्या था, क्यू वन था, और दूसरे पे दूसरा मेरा क्या है, अनचार्ज है, दूसरा तो अनचार्ज है ना। यस तो पहले पे चार्ज क्या है मेरा क्यू वन है, और दूसरे पे क्यू टू क्या है मेरा जीरो है, क्योंकि अनचार्ज है तो उसमें जीरो होगा, चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा मेरा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज टोटल चार्ज में क्या हो जाएगा, क्यू वन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा चाहिए क्या, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बोल सकता हूं वी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो फाइनल में होगा। टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल चार्ज क्या है मेरा क्यू, टोटल क्या है मेरा क्यू वन है कि नहीं है, टोटल चार्ज मेरा Q1 है, और टोटल कैपेसिटेंस क्या है मेरा C1 प्लस C2। अच्छा अगर मेरा Q1 है तो 1 के लिए, 1 के लिए मैं Q1 को क्या लिख सकता हूँ, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, आगे बढ़े फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ कैपेसिटर इज चार्ज विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये क्वेश्चन आप देखोगे, कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है, आपको याद है लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था हमने, क्या आंसर yes, होगा, क्या आंसर होगा, ग्रेजुअली ये हमने लास्ट क्लास में दिया था क्वेश्चन, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन किया था, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम सेकंड बार पेज पे आते हैं, सेकंड पेज पे आते हैं। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, ए एंड बी टर्मिनल के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, कैसे कर सकते हैं इसको, कोई बताएगा क्या। माना कि इस वाले टर्मिनल का मैंने पोटेंशियल मान लिया, मान लो वी पोटेंशियल मान लिया, इससे जो जो वायर कनेक्ट होंगे क्या उन सब का पोटेंशियल वी होगा कि नहीं होगा, बोलो। देखो यहाँ का वी है, ये सिंपल कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो क्या इस वाले पॉइंट का वी होगा, होगा इस वाले पॉइंट का वी होगा, क्या इस वाले पॉइंट का भी वी होगा, यस सर। तो मेरे पास तीन पॉइंट है, एक तो है ए, एक है बी, एक है वी, है तीन पॉइंट, तीन पोटेंशियल है ना। तो अब आप देखो कि कौन कौन से पॉइंट के बीच में क्या क्या है, देखो ए और वी के बीच में हमारा 2 माइक्रोफेरेड है, ए और वी के बीच में हमारा ये वाला भी 2 माइक्रोफेरेड है कि नहीं है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो देखो ए और वी के बीच में हम दो कैपेसिटर लगा दो, ए और वी के बीच में दो माइक, देखो एक तो ये लग गया और ए और बी के बीच में एक और है भाई, है कि नहीं है बोलो? यस सर। एक माइक्रोफेरड का है, ये भी 2 माइक्रोफेरड का है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। देखो इस इन दो को देखो, देखो वी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है 2/3 का, वी यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है, बी और बी के बीच में कौन है? देखो इसको 2/3 यहाँ से अलग है, ये यहाँ से आप देखोगे V और ये कैपेसिटर है और एक आपका यहां से भी, यहां भी देखोगे V और B के बीच में एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट ये भी वाला V, विक्ट्री वाला V है, यहाँ पॉइंट A है, तो ये क्या है आपका 2/3, ये भी आपका 2/3। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, दोनों दोनों किसमें है बताओ? ये आपके किसमें है? पैरेलल। ये भी आपके पैरेलल में है कि नहीं है? यस सर। अब जब दोनों पैरेलल में है तो हमारा सर्किट क्या बनेगा बोलो? C1 प्लस दोनों का एक इक्विवेलेंट आ जाएगा और इन दोनों का एक इक्विवेलेंट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट ए, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? 4/3 और इसका कितना आएगा? 4/3 माइक्रोफेरड। 3 माइक्रोफेरड। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब ये किस में हो गए, अब ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। अब जरा ये सीरीज में जैसे ही हुए तो इन दोनों को जरा सॉल्व करो, 1/4 प्लस देखो 4/3 करोगे 3/4 होगा, 4/4 यानी कि 1, तो मेरा C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 माइक्रोफेरड। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो जरा, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, ये तो इजी है थोड़ा सा, बोलो द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर बोले कैपेसिटर बोले एक ही चीज है, सी है अगर, इट्स कैपेसिटी व्हेन सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज हाफ, अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी थी हमारी सी, अगर उनके प्लेट के बीच में डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, सॉरी हाफ कर दिया जाए, माना कि ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि अभी मेरा ये कैपेसिटर है, इसके बीच की डिस्टेंस है डी, तो इसका कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा क्या सर? हाँ डिस्टेंस को हाफ कर रहा हूँ तो क्या करूंगा? नाउ डी को क्या कर रहा है हमारा? डी बाई टू करना है, डी बाई टू, डी डैश क्या हमारा? डी बाई टू है, तो जरा डी डैश करो, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी बाई टू, क्या करोगे? 2εoA/D हो जाएगा कि नहीं होगा? तो ये क्या है? ये C है कि नहीं है? ये वाला C है कि नहीं है? Yes sir। ये इसको मैं सी डैश बोल दे रहा हूँ, तो क्या मेरा सी डैश इक्वल टू 2C हो गया? Yes sir। मेरा जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा? 2C, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि नहीं होगा? Yes sir। Yes sir। सिमिलरली सेवंथ क्वेश्चन देखो, कुछ तो बताया करो आप लोग। सेवंथ क्वेश्चन आपको सिंपल फॉर्मूले पे ही है, सेवंथ भी देखो, व्हेन एन एडिशनल चार्ज 2C 2 कूलॉम इज गिवन टू अ कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड बाई इट इज इंक्रीज बाई 21%। जैसे कि मैंने मान लो कोई कैपेसिटर था, उसको मैंने कैपेसिटर था इनिशियली, उसका चार्ज था क्यू, उस पर चार्ज क्यू था, फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने कुछ भी चार्ज आपका क्यू था, तो हमने बोला कि भाई
क्यू उसका इनिशियली चार्ज था, अगर मैं उसको 2q चार्ज, 2 कूलम चार्ज और दे देता हूं, तो उसका जो टोटल एनर्जी थी उसमें 21% का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो जब मेरा चार्ज क्यू था तब उसकी एनर्जी क्या होगी, कोई बताएगा? हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी होगी कि नहीं होगी? यस सर। और अगर मेरा, जब मेरा क्यू डैश हो गया, मान लो क्यू डैश हो गया चार्ज मेरा, क्यू डैश कितना होगा, क्यू प्लस टू सी होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्यू डैश चार्ज है तब मेरी ई डैश कितनी हो गई, ई डैश कितनी हो जाएगी, हाफ क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। सी को हटा दो, आपको कैपेसिटेंस लगेगा बाद में। यहां तक क्लियर है? तो हमें गिवन कंडीशन क्या है, फॉर गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है बेटा, देखो 21% इंक्रीज हुआ है, 21% क्या किया है, इंक्रीज किया है। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि वन मेरा हो गया होगा 121 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे होगा 21% को ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं? Yes, sir. कोई चीज अगर मेरी 21% से इंक्रीज हुई है, इसका मतलब 121% हो गई ना वो इनिशियली की। Yes, sir. क्या कंडीशन क्या दी हुई है, गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो ई डैश है वो मेरा 121 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ ई हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया है? Yes, sir. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? हाफ। हाँ बेटा बोलो। 121 क्यों लिखा? हाँ 120 क्यों लिखा है? ठीक है ठीक है, एक मिनट मैं जरा दोबारा से बताता हूँ, एक मिनट देखो। उसने बोला है कि आपकी जो एनर्जी है, इनिशियली जो एनर्जी थी, मान लो इनिशियली एनर्जी थी हमारी E, इसमें इंक्रीज कितना हुआ है, 21% का इंक्रीज हुआ है। यानी कि मैं बोल सकता हूं E plus 21 डिवाइडेड बाई 100 E, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं इसको ऐसे? Yes, यानी कि E हमारी पहले थी, जो उसमें इंक्रीज कितना हुआ है 21%, तो मैं इसको जरा सॉल्व करो, क्या करोगे, क्या क्या आएगा, 121 डिवाइडेड बाई 100 E आएगा कि नहीं आएगा बेटा? यस yes, सर। 21% इंक्रीज दिया, अगर यहाँ पर डिक्रीज दिया होता तो क्या करते हैं, 21% डिक्रीज दिया होता तो 79% लिखते हैं। यहाँ पे क्या आता, 79 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ ई डिक्रीज होता, तो हमारा इंक्रीज हुआ है तो 121 डिवाइडेड बाई है। तो देखो 121 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ई की जगह पे क्या लिख दूं, ई की जगह पे ये लिख दूं हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, देखो देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, Yes. सी से सी कैंसिल हो गया, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. तो देखो ये सारी चीज यहां तक कैंसिल हुई। अब देखो यार हमारा क्या बच रहा है, क्यू स्क्वायर, क्यू डैश का स्क्वायर इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाई 100 क्यू स्क्वायर। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूं क्या, स्क्वायर रूट ले लूं दोनों साइड में, हमारा क्या बचेगा, क्यू डैश इक्वल टू देखो 121 का क्या आएगा, 11 डिवाइडेड बाई 10 क्यू। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब देखो क्यू डैश को मैं क्या ले सकता हूँ, क्यू डैश को, क्यू डैश क्या था मेरा, क्यू प्लस टू था कि नहीं था? Yes, yes, क्यू प्लस टू इक्वल टू, या फिर मैं 10 का साथ साथ मल्टीप्लाई और कर देता हूँ, है ना, इस 10 का नीचे वाला 10 है, तो मैं बोल दू 10 क्यू प्लस 20 इक्वल टू 11 क्यू आएगा कि नहीं आएगा? Yes, तो आप देखोगे यहाँ पे 11 क्यू है, यहाँ पे 10 क्यू, इसको इधर ले जाओगे क्या क्यू बचेगा, ओनली क्यू इक्वल टू कूलम, यानी कि जो आपका कैपेसिटर था उसमें इनिशियल कितना चार्ज था, 20 कूलम चार्ज। सेवंथ का क्या करोगे आप, सेवंथ का ऑप्शन डी। एट्थ क्वेश्चन देखो जरा, एट्थ क्वेश्चन What is the value of inductor, inductance L, for which the current is a maximum in a series? Maximum current कब होता है? Inductance LCR circuit याद है?
यस सर। एलसीएस याद है कि नहीं? करंट मैक्सिमम कब कब पॉसिबल हो सकता था सर? जब वो 90 डिग्री लीड करता था। नो नो बेटा, 8th क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 8th। देखो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ, क्या मेरा I इक्वल टू V अपॉन Z होता था कि नहीं? V अपॉन V अपॉन Z को मैं क्या लिखता था? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L माइनस का होल स्क्वायर। अब ये मेरी मैक्सिमम कब हो सकती है? जब ये वैल्यू मिनिमम होगी तभी तो ये मैक्सिमम हो सकती है। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम। और ये मिनिमम कब पॉसिबल है? जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाए। यस सर। और ये जीरो कब पॉसिबल है? ये जीरो कब पॉसिबल है? जब आपका एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जब आपका एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो। अब जरा कंडीशन लगा दो यही, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल होता है कि नहीं होता है? यस सर। क्या होता है? वन अपॉन ओमेगा सी होता है कि नहीं? अब जरा यहाँ से एल की वैल्यू पूछिए आपको, एल इक्वल टू क्या वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब जरा ओमेगा देखा दे, ओमेगा और सी की वैल्यू देखो क्या दे रखी है। थाउजेंड और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 1000 और सी की वैल्यू रखी है 10। तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू डालो जरा, एल इज इक्वल वन डिवाइडेड बाई 1000 उड़ा दूं कितना आएगा? एल कितना आ रहा है? एल एल आ रहा है मेरा 0.1 हेनरी। आंसर किसमें है? देखो यार आंसर किसमें है? अब मिली हेनरी में, मिली हेनरी में क्या करोगे आप भाई? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 100 × 10⁻³ माइनस के थ्री हेनरी लिख सकता हूँ? लिखता हूँ देखो 10⁻³ को क्या कर मिली बोल देता हूँ 100 मिली हेनरी। समझ में आया सबको? हमारा 8th क्वेश्चन क्लियर हो गया। 8th क्वेश्चन कौन सा आंसर है? 100 मिली हेनरी। 9th क्वेश्चन को देखो, 9th को देखो, a direct current of 5 ampere is superimposed on an alternating current. देखो alternating current के ऊपर superimpose कर रहा है, flowing through a wire. The effective value of a resulting current is. देखो जब आपकी superimpose होती है ना current, superimpose होती है तो क्या करोगे आप? एक formula मैं बता देता हूँ आपको, ninth problem है ना? Yes, sir. Ninth problem. जब आपकी सुपर इम्पोज होगी तो इफेक्टिव रिजल्टेंट करंट होता है, इफेक्टिव रिजल्टेंट करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू अंडर रूट में आई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आई अच्छा बनाना चाहिए ना, आई ए सी का स्क्वायर प्लस आई डी सी का स्क्वायर। आई बात समझ में? Yes, sir. अच्छा अब yes, आप yes, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है 9th क्वेश्चन में। बेटा किसी ने हैंड रेस किया, कोई पूछना चाह रहा है क्या कोई? सर मोहित के नाम से। टेन साइन ओमेगा टी आई दे रखा है आपको, 10 साइन ओमेगा टी आई दे रखा है आपको, क्या 10 साइन ओमेगा टी ये फॉर्मूला है हमारा, मान लो इक्वेशन वन है तो आपको आई दे रखा है 10 साइन ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू है कोई बताएगा क्या? किसकी वैल्यू है ये? आई नॉट की वो हम यहाँ पे आरएमएस वैल्यू पुट करते हैं। मेरी आई नॉट क्या है? 10 एम्पीयर। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे? आई आरएमएस कैसे निकालोगे? तो आई आर एम एस क्या है? एसी के लिए। तो यहाँ पे एसी वाली की जगह पे एसी पुट करो और डीसी की हमें दी हुई है, आई जरा निकालो, एसी की जगह पुट करो 10√2 का होल स्क्वायर प्लस डीसी कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है शायद। यस सर। है ना 5 एम्पीयर है, 5 एम्पीयर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कर लो
क्या आएगा 100 बाई यहाँ पे क्या आएगा 100 बाई 100 बाई 2 अरे 100 ऊपर हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा तो 50 प्लस 25 कितना अंडर रूट में 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ इन अंडर रूट देखो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट यानी कि 9th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपका बताएगा क्या पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन आर एल सी आर सी एल सी आर बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका कब मैक्सिमम होता है पावर फैक्टर जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा 11th क्वेश्चन देखो जरा 11th क्वेश्चन देखो रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी माइक्रोफेरेड फॉर एसी फ्रीक्वेंसी 400 डिवाइडेड बाय पाई हर्ट्ज इज 25 ओम रिएक्टेंस दे रखा है आपको और पूछा क्या था वैल्यू ऑफ क्या पूछिए वैल्यू किसकी okay. पूछिए आप क्या कंफ्यूज मत हो देखो आपको क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ दे रखा है एफ दे रखा है और एक्स सी दे रखा है एफ दे रखा है और एक्स सी दे रखा है हमारा कौन सा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन जरा कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए हाँ तो देखो एक्स सी दे रखा है कितना एक्स कितना दे रखा है बोलो अरे बोला करो ना एक्स दे रखा है आपको 25 ओम और एफ कितना दे रखा है 400 बाई पाई यस सर 25 ओम और एफ कितना दे रखा है 400 पाई हर्ट्ज ये दे रखा है अच्छा एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता था आपको बताएगा क्या अच्छा ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 1/2πf लिख सकते हैं 2πf हमें निकालना क्या है यहाँ से c निकालना है तो c को क्या बोल सकता हूँ 1/2πf into 25 yes sir तो 1/2πf क्या है मेरा 400 divided by pi into 25 अब देखो pi से pi कैंसिल हो गया yes sir हमारा कितना आ रहा है 1 divided by सर 400 2 से भी कट सकते हैं 2 इनटू नहीं बेटा 400 क्यों काटेंगे हम ये तो नीचे ही है ना सर यस सर 25 इनटू 4 सर 100 होगा 100 पे दो जीरो और लगाओ ये दो जीरो हैं यहां तक क्लियर है सबको यस सर 2 इनटू क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 0.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस के 4 लिख सकता हूँ कि नहीं Yes, sir. अब आंसर किसमें है जरा देखो इसमें आंसर माइक्रोफेरेड में माइक्रोफेरेड हाँ अब आपको माइक्रोफेरेड में 10^-6 चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो yes, sir. तो आंसर हमारा क्या हुआ 11th का ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन ए होगा ना 11th का 55 माइक्रोफेरेड यस सर ए ऑप्शन 12th क्वेश्चन देखो 12th में क्या बोल रहा है अ वर्चुअल करंट ऑफ 4 एम्पियर अ वर्चुअल करंट ऑफ 4 एम्पियर इस क्वेश्चन को कोई बताएगा क्या क्या दिया है क्या पूछा है अ वर्चुअल करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 50 हर्ट्ज फ्लोज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग अ कॉइल बताएगा कोई अरे एक करंट दे रखा है 4 एम्पियर का हर्ट्स दे रखा है उसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है उस करंट की द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉइल इज 240 वॉट पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं नीचे ठीक है 12th क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर है हमारा 12th. करंट करंट कितना दे, पहले पावर देखो, पावर दे रहा है, डायरेक्टली पावर लिखते हैं. पावर को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं कि नहीं, आई आर एम एस, आर एम एस के टर्म में अगर मैं देखूं. यस सर. तो क्या मैं बोलूं कि आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू आर लिख सकता हूं उसको, बोलो. यस सर. आई आर एम एस निकाल लो जरा, आई आर एम एस क्या आएगा, पावर डिवाइडेड बाई आर आएगा. यस सर. अब देखो पावर दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी दे रखा है. पावर देखो क्या है ऊपर 12th में, पावर देखो 240 वॉट. यस सर. 240 वॉट है ना. और आपको क्या चाहिए, और क्या दे रखा है आपको, करंट दे रखा है. करंट कितना है, 4 एम्पियर और है ना, 4 एम्पियर. अरे वर्चुअल वैल्यू बोलो इसको, देखो वर्चुअल वैल्यू बोलो या फिर आई आर एम एस बोलो, क्या ये आई आर एम एस है ना. यस यस. आई वी बोलो इसको, एक ही बात है. यस सर. यस सर. और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका पावर है, पावर है कि नहीं है. यस सर. तो हमें क्या करना है, पावर दिया हुआ है, पावर 240 और करंट दे रखा है 4 एम्पियर. हम यहाँ से पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. पावर दे रखा है, सॉरी रेजिस्टेंस निकालना ना, मैं रेजिस्टेंस साइड में ले लिया. आई को इधर लेते हैं, आई आर एम एस को, आर को उधर लेते हैं. रेजिस्टेंस निकालना है, आई आर एम एस इधर आएगा. 240 अपॉन 4 एम्पियर. पावर 240 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, 240 डिवाइडेड बाई 16 होगा. यस सर. यस सर. कितना आएगा ये, 15 ओम आएगा. लेकिन अगर आपको याद हो इम्पीडेंस वाले कंडीशन में क्या मेरा V इक्वल टू आई जेड होता था, आई आर एम एस जेड भाई, इम्पीडेंस भी तो निकालना पड़ेगा हमें. एलसीआर सर्किट है, आई आर एम एस इंटू जेड. तो मुझे यहां से क्या चाहिए, जेड अगर मैं निकाल लू, जेड क्या आएगा, वी अपॉन आई आर एम एस. वी हमें दे रखा है, आप देखो कि ऊपर वी दे रखा है, अक्रॉस तीनों के अक्रॉस हमें वी दे रखा है. कितना है देखो, 100 वोल्ट दे रखा है. यस सर. 100 वोल्ट पुट करो वी की जगह पे, वी की जगह 100 वोल्ट पुट करो. यस सर. डिवाइडेड बाय आई आर एम एस कितना है मेरा, 4. कितना आ गया मेरा, 25 ओम. देखो जेड हमारा आ रहा है 25 ओम और आर आ रहा है हमारा 15 ओम. अगर आपको याद हो मैक्सिमम का, जब हमारा देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस दे नहीं रखा, ओनली इंडक्टर दे रखा है, तो जेड का फॉर्मूला क्या बोल सकता हूँ, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर बोल सकता हूँ कि नहीं. जेड हमारा कितना है, जेड हमारा 25 है. आर कितना है, आर हमें दे रखा 15 मुझे निकालना है. तो क्या बोलू, इसका स्क्वायर करूं पहले, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे 25 का स्क्वायर माइनस के 15 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा. देखो दोनों भेज दिया, 25 का स्क्वायर माइनस के 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 625. और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225. 225 होता है ना. यस सर. यस सर. जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 400 बचेगा. 400. एक्सएल है, क्या मुझे एक्सएल निकालना है, तो अंडर रूट में 400. अंडर रूट 400. 20 तो एक्सएल को क्या लिखते हैं, बोलो. एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल मेरी वैल्यू है 20. ओमेगा एल की वैल्यू 20 है. छोड़ ही दिया हमने. आप देखोगे यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एफ की क्या वैल्यू है,
एफ कितना है? 50 अब जरा इसको सॉल्व कर लो, देखो 20 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। एक काम करते हैं इसको इस 2 से 10 टाइम्स काट दें। यस बोलो, जीरो से जीरो काटते हैं तो 1 अपॉन 5 पाई बचा, 1 अपॉन 5 पाई। आंसर जरा देखो किसने दे रखा है, 5 पाई के तुमने दे रखा हो तो मजा आ जाए सॉल्व ना करना पड़े। हां 1 अपॉन 5 पाई मजा आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है? यस सर। यहां तक सबको प्रॉब्लम क्लियर हुई? सारी सारे क्वेश्चन क्लियर? यस सर। ओके अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। थर्टीन क्वेश्चन करो जरा। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 वोल्ट एसी वोल्टेज सोर्स इज एडजस्टेड इन सच अ फैशन दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ इंडक्टर मेजर 15 वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ अ इंडक्टर क्या दे रखा है ये सर? एक्सएल। एक्सएल यस एग्जैक्टली एक्सएल दे रखा है आपको। कितना? 15 ओम। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर कितना दे रखा है? एक्ससी। एक्ससी कितना दे रखा है? 11 ओम। और आर कितना दे रखा है? 3 ओम। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब उसने पूछा क्या है? बेटा उसने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी। एल एंड सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। उस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। अच्छा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या मैं बोल सकता हूं वी इक्वल टू आई जेड बोल सकता हूं कि नहीं? यस सर। अच्छा देखो एक बार बताऊंगी। पहले तो एक सर्किट बनाते हैं उसमें मैं आपको समझाता हूं कि करंट क्यों निकाल रहे हैं। देखो माना कि ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये आपका कैपेसिटर, उससे ये आपकी 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। देखो अगर मैं यहां से करंट निकाल लूं, आई अगर मैं निकाल लूं तो देखो ये आपका आर है, ये आपका एल है, ये एक्ससी है। देखो अगर मेरा करंट अगर पूरे सर्किट में आ जाए तो मैं क्या करूंगा? हमें पूछा क्या है? इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड करूं तब मेरा क्या पोटेंशियल होगा ये पूछा है। तो अगर मुझे करंट पता चल जाए वो इन दोनों का रेजिस्टेंस यूज करके क्या मैं दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ। तो फिर हम ट्रिक अपनाएंगे कि हम पहले क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। तो मेरा वी क्या होता है? I into Z। LCR सर्किट में जो रेजिस्टेंस काम करता है वो कौन काम करता है? कैसा बिहेव करता है? Z ऐसा बिहेव करता है जैसे रेजिस्टेंस है क्या? अब देखो V हमें पता है 10 वोल्ट है, I हमें निकालना है। Z को मैं क्या बोल सकता हूँ? अंडर रूट में R स्क्वायर, R यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस XC, XL, XL क्या है मेरा 15 माइनस 11 का क्लियर है सबको? यस सर। दिक्कत तो नहीं कैसे लिखा है मैंने? No, sir. अब आई आपको निकालना है। आई कैसे करोगे? अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको 10 इधर रखते हैं, आई इधर इनटू इधर देखो 9 प्लस इधर क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर 16 इधर क्या हो जाएगा? 25 का अंडर रूट क्या आएगा? 5 बोलो I इक्वल टू क्या आएगा? 10/5 यानी कि 2 एम्पियर आया, 2 एम्पियर करंट। यस। अच्छा अब मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस XL एंड XC। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस XL एंड XC क्या मैं बोल दूं? मुझे चाहिए VL माइनस के VC, चाहिए कि नहीं चाहिए? यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। करंट I इंटू XL माइनस करंट I इंटू XC होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। तो मैं बोल दू I कितना है मेरा? 2
माइनस टू इंटू एक्स सी क्या है 11 जरा सॉल्व करो 30 माइनस के कितना 22 कितना आया 8 वोल्ट आया कि नहीं आया करेक्ट है जरा सेकंड क्वेश्चन को कोई बताएगा क्या ऐसे ही बता दो ऐसे ही बताओ जरा क्या हो सकता है इसमें एलसीआर सर्किट में देखो एक चीज बताऊं मैं आपको नॉर्मली याद होना चाहिए कि अगर मेरा करंट इधर है अगर मेरा ओनली रेजिस्टेंस होता तो पोटेंशियल भी इधर होता यस सर और अगर मेरा लीड कर रहा है इसका मतलब क्या है yes, अगर मेरा लीड करेगा XL बोलो या VL बोलो VL बोलो सिमिलरली अगर मेरा I इधर है तो इधर क्या होगा सॉरी लीड करेगा ना इसमें तो yes, ये तो कैपेसिटर में तो लीड कर लैग करेगा ना कैपेसिटर में तो यस सर अब देखो आप जरा देखोगे कि ये बीच में है कहीं बीच में है ना कहीं 45 पे है कॉम्बिनेशन हो सकता है कॉम्बिनेशन हो सकता है तो देखो या तो आपका रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या ओनली किसका LR समझ में आई बात तभी पॉसिबल है ऐसा यस सर सिमिलरली 15 क्वेश्चन को देखो जरा 15 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 देखो इन एलसीआर सीरीज एसी सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट एलसीआर इज 50 वोल्ट 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ईच कंपोनेंट हर एक के अक्रॉस 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है Then the potential across LC circuit. उसने बोला तीनों के across क्या है potential difference 50 volt का है. जरा ध्यान से देखिएगा इस question को. 15 question. Question number 15. Phasor diagram से question होगा ये. 15 question. देखो. आपको याद हो अगर मेरा ये current है मान. ये मेरा current है. तो due to inductor क्या मेरा potential 90 degree lead करता था VL yes sir yes 90 degree lead करता था yes sir lead in inductor lead करता था similarly lag किस में करता था capacitor में क्या करता था 90 degree lag करता था ये क्या है मेरा कैपेसिटर है कैपेसिटर में लैग करता था 90 डिग्री ये करता था लैग इन कैपेसिटर यस सर यस सर अब जरा क्वेश्चन को देखो क्या पूछा उसने उसने पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन ओनली एलसी कॉम्बिनेशन के बीच में क्या वोल्टेज होगा अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस हटा दूं अगर मैं रेजिस्टेंस हटा दूं तो देखो इसका वोल्टेज 50 वोल्ट इसका वोल्टेज कितना 50 दोनों का वोल्टेज 50 वोल्ट है और देखो दोनों अपोजिट है कि नहीं yes, दोनों अपोजिट है तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा जीरो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा जीरो देखो वी एल माइनस के वी सी आपका ये भी 50 है और ये भी 50 है क्या हो जाएगा जीरो आंसर क्या होगा आपका जीरो यानी कि ऑप्शन डी डी ऑप्शन बट सर अगर हमारे पास इसमें एल और आर का पूछा होता तो वी एल प्लस वी आर हो जाता ना हमारा 50 प्लस हाँ बिल्कुल अगर एल और आर का पूछा होता ना तो देखो मान लो एल और आर का पूछा होता तो हमारा सी को छोड़ देते हम तो वी एल का देखो 50 है इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में और आर का किधर होता इसी डायरेक्शन में होता yes, होता कि नहीं yes, होता sir. तो दोनों का रिजल्टेंट हमारा yes, अंडर रूट में आता दोनों का रिजल्टेंट किस में आता अंडर रूट में रिजल्टेंट हमारा कहीं इधर होता ना दोनों का फिर आपको याद है फॉर्मूला याद है एक फॉर्मूला याद है आपको कि वी रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस VL माइनस के VC का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला भी
याद है। अब देखो यहाँ क्या किया, इसी फॉर्मूले से देख लो, भले रिजल्टेंट निकालना है आपको, रिजल्टेंट निकालना है ना। यस अब देखो जरा, वी आर को हटा दिया है, बोला है वी आर को छोड़ दो, वी को छोड़ दो यानी कि इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। अब जरा फॉर्मूला क्या बचेगा फिर, अंडर रूट में वी एल माइनस के वी सी का होल स्क्वायर। देखो इस पर स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो क्या मैं वी एल माइनस के वी सी बोल दूं ओनली? Yes, yes, अब देखो वी एल भी आपका 50 है, वी सी भी 50 है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। चाहे आप फेजर डायग्राम से देख लो, चाहे आप फॉर्मूले से देख लो, दोनों से अब जीरो आ रहा है कि नहीं बताओ। yes, 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 कोई दिक्कत आज के पेपर डिस्कशन में? नो। ऑल क्लियर है? यस सर। मजा आया पेपर डिस्कशन में? फिर मिलते हैं अपन लोग एक हफ्ते बाद। और इस चीज का याद रखना, इस चीज का याद रखना कि आपको हमेशा रिवीजन सारे करने हैं, रिवीजन करने हैं और पीवाई क्यूज लगाने हैं, ठीक है? जो इस बार संडे का टेस्ट होगा वो अभी आया नहीं है? अभी संडे का टेस्ट होगा तो, अभी तो आज मंडे हुआ है ना बेटा। बट सर उन्होंने चैप्टर नहीं बताया कौन कौन से आ रहे हैं। मंडे को होगा तो सिलेबस बता देंगे, जल्दी बता देंगे, अपडेट मिल जाएगा जल्दी ग्रुप में, ठीक है? मैं बोल देता हूँ, वैसे मैं बोल देता हूँ कि बच्चे चिंता कर रहे हैं अगले संडे के सिलेबस के लिए, ठीक है? थैंक यू सर। यू वेलकम बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। Bye, you so bye. 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 Bye.